हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी एम बी बी में आज की वीडियो में हम पॉपलिटियल फोसा को पढ़ने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉपलिटियल फोसा आखिर होता क्या है सो so, पॉपलिटियल फोसा कुछ नहीं बस एक डायमंड शेप्ड डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जो कि लोकेटेड होता है हमारे बिहाइंड द नी जॉइंट लोअर पार्ट ऑफ फीमर एंड अपर पार्ट ऑफ टिबिया ये ऐसे एक डायमंड शेप डिप्रेशन होता है बिहाइंड द नी जॉइंट यहाँ पे नी जॉइंट ऊपर इसके फीमर बोन आती है तो लोअर पार्ट ऑफ फीमर एंड नीचे हमें बताया कि लेग में टिबिया बोन प्रेजेंट होती है वहाँ पे अपर पार्ट ऑफ टिबिया तो ये ऐसे कुछ एक डिप्रेशन होता है हम इसको इस डायग्राम से देख सकते हैं ये है हमारा पॉपलेटल फोसा ये इतना पार्ट है नी जॉइंट का ऊपर हमारा थाई रीजन आता है नीचे ये लेग होता है तो यहाँ तक ये फीमर बोन प्रेजेंट होगी फिर यहाँ पे ये नी जॉइंट होगा और नीचे ये टिबिया प्रेजेंट होती है तो ये लोअर पार्ट ऑफ फीमर नी जॉइंट और अपर पार्ट ऑफ टिबिया यहाँ पे ये ऐसे डायमंड शेप्ड जो डिप्रेशन प्रेजेंट होता है हमारे पोस्टीरियर पार्ट में उसको हम पॉपिटल फोसा बोलते हैं अब इसकी बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं तो इसकी चार बाउंड्रीज होगी ये हम देख सकते हैं ये डायमंड शेप्ड कुछ ऐसे ये डिप्रेशन है इसको पॉपिलटल पोसा बोलते हैं तो इसकी चार बाउंड्रीज होगी दो सुपीरियर और दो इंफीरियर सुपेरोलेटरल और सुपेरोमीडियल सुपेरोट्रल बनती है बाइसेप्स फिमोरिस से मीडियल बनती है सेमी टेंडीनोस और सेमी मेमरोनस से हमें बताए ये सभी तीनों मसल्स हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स हैं वैसे ही जो इनफेमीडियल है वो बनता है मीडियल हेड ऑफ मसल और जो लेटरल है वो बनता है दो मसल से प्लेटेरिस और लेटरल हेड ऑफ गेस्ट्रोन्यूमियस तो हमने बाउंड्रीज की बात करी तो इसकी चार बाउंड्रीज थी सुपेरोट्रल सुपेमीडियल सुपेरोटल बनती है बाइसफ्यूमोरस से सुपेरोमीडियल बनती है सेमी टेंडीनोस और सेमी मेमरोनस से अब यहाँ पे तीन सप्लीमेंट्री मसल्स भी होती है जो कि होती है ग्रेसलिस मैग्नस और साटोरियस फिर हम बात करते हैं इन्फेरियल जो बाउंड्रीज है उनकी इन्फेरोटल बनती है लेटल हेड ऑफ गेस्ट्रोनिमियस मसल से और प्लेंटेरिस मसल से और मीडियल बाउंड्री बनती है इसके मीडियल हेड ऑफ गेस्ट्रोनिमियस मसल से तो हमने इसकी बाउंड्रीज की बात कर ली जैसे ये अगर हम पॉपलेटियल फोसा माने ये तो इसकी बाउंड्रीज की बात कर ली अब इसके ऊपर आता है डीप फेशिया फिर उसके सुपरफिशियल प्रजेंट होगा सुपरफिशियल फेशिया और सबसे बाहर हमें बताया कि प्रेजेंट होती है स्किन जो डीप फेशिया होता है ओवर द पॉपलेटियल फोसा उसको हम पॉपिलेटियल फेशिया बोलते हैं तो ये इसका रूप बनाता है और फिर उसके जो बाहर की साइड वो प्रेजेंट होगा सुपरफिशियल फेशिया आप उसके कंटेंट की बात करें तो सुपरफिशियल फेशिया में एक तो स्मॉल सेपनेस वेन होती है जो कि जाके ड्रेन कर जाती है हमारी पोपलीटल वेन में और तीन क्यूटेनियस नर्व्स प्रेजेंट होती है कौन सी कौन सी ब्रांचेस एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई पोस्टीरियर डिविजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई और पेरोनियल और शुरल कम्युनिकेटिंग नर्व तो ये तीन क्यूटेनियस नर्व प्रेजेंट होती है अभी इसको डायग्राम से देख लेते हैं हमें देखा कि सुपरफिशियल फेशिया में एक तो स्मॉल सफनस वेन होती है जो कि जाके ड्रेन करती है हमारी पॉबलीटल वेन में तीन क्यूटेनियस नर्व्स होती है पोस्टीरियर क्यूटेस नर्व की ब्रांचेस और इसका टर्मिनल पार्ट मीडियल क्यूटेनियस नर्व की पोस्टीरियर डिवीजन और पेरोनियल और सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व तो ये तीन क्यूटेनियस नर्व प्रेजेंट होती है अब हमने इसके जो रूफ़ है उसकी बात कर ली तो अब इसके फ्लोर भी देख लेते हैं तो फ्लोर अप टू डाउन या फिर अबव टू डाउनवर्ड्स ये कुछ ऐसे था हमारा पॉपरीटियल होसा तो इसको हम अगर चार एरियाज़ में डिवाइड कर दें या फिर तीन एरियाज़ में डिवाइड कर दें तो जो अपर एरिया है अबव वो बनता है पॉपरीटियल सरफेस ऑफ फीमर से फिर हमें पता है कि नीट जॉइंट आता है तो उसका कैप्सूल ऑफ नीट जॉइंट प्रेजेंट होगा और जो ऑब्लिक पॉपलीटल लिगमेंट है वो प्रेजेंट होगा और सबसे नीचे हमें पता है कि जो पॉपलीटियस मसल प्रेजेंट होती है उसके ऊपर फेशिया होता है तो फेशिया कवरिंग द पॉपलीटियस मसल तो ये बनाते हैं हमारा फ्लोर ऑफ द पॉपलीटियल फोसा हमें इसको भी डायग्राम से देख लेते हैं सबसे ऊपर था पॉपलीटियल सरफेस ऑफ फीमर फिर आता है कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट एंड ऑब्लिक पॉपलीटियल लिगमेंट और फिर फेशिया कवरिंग द पॉपलीटियस मसल हम इस सेक्शन वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये हमारे फीमर का जो पॉपिलिटल सर्फेस है वो है फिर आता है कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट और फिर ये फेशिया कवरिंग द पॉपलिटीज मसल तो हमने इसके बाउंड्रीज इसके फ्लोर और इसके रूफ की बात कर ली अब इसके कंटेंट्स की बात करते हैं कंटेंट में हमें बताया कि आर्टरीज प्रेजेंट होगी वेन प्रेजेंट होते हैं लिम्फ नोड प्रेजेंट होता है और नर्व्स प्रेजेंट हो सकती है तो ये पॉपलीटल फोसा में प्रेजेंट है तो पॉपलीटल आर्टरी प्रेजेंट होती है और उसकी ब्रांचेस प्रेजेंट होती है फिर पॉपलीटल वेन प्रेजेंट होती है और उसकी ट्रपुट्रीज प्रेजेंट होती है वैसे ही पॉपलीटल लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं और फैट प्रेजेंट होता है अब जो नर्व्स है इसमें चार नर्व्स प्रेजेंट होती है सबसे पहले आती है टिबियल नर्व और फिर आती है कॉमन पेरोनियल नर्व अब ये जो नर्व्स है वो होती है हमारी शेटिक नर्व की डिविजन्स हमारी शेटिक जो नर्व है वो पोस्टीरियरली रन करती है और जो हमारा ये ऑपरेटल फोसा है उसका जो ये सुपीरियर एंगल है यहाँ पे आके डिवाइड कर जाती है दो पार्ट में एक होता है ये टिबियल नर्व वाला पार्ट और एक कॉमन पेरोनियल नर्व वाला पार्ट तो ये दोनों डिविजन्स ऑफ शेटिक नर्व होती है फिर दो नर्व होती है पोस्टीरियुटेनियस नर्व ऑफ थाई और जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑप्टोरेटर नर्व ये चार नर्व्स प्रेजेंट होती है हमारे पॉपिलिटल फोसा में अब एक और पॉइंट आता है कि जो पॉपलिटल आर्टरी बेन और जो टिबियल नर्व है इनका जो अरेंजमेंट है वो इम्पोर्टेंट है तो हमारे ये पॉपिलिटल फोसा में ये तीनों ऐसे वर्टिकली रन करते हैं एंड आर अरेंज्ड वन ओवर द अनदर मतलब कि सबसे सुपरफिशियली सबसे बाहर की तरफ टिबियल नर्व प्रेजेंट होती है हम इसमें देख सकते हैं ये अगर हमारा पॉपुलेटियल पोसा है तो सबसे सुपरफिशियली प्रेजेंट होती है हमारी टिबियल नर्व उसके डीप प्रेजेंट होती है पॉपुलेटियल वेन और फिर सबसे डीप प्रेजेंट होती है पॉपुलेटियल आर्टरी तो पूरे पॉपुलेटियल फोसा में इनका जो डीप सुपरफिशियल टू डीप अरेंजमेंट है वो इसी ऑर्डर में होता है लेकिन जो इनका रिलेटिव अरेंजमेंट है मतलब कि जो इनका मीडियल और लेटल वाला अरेंजमेंट है वो डिफर करता है उसको भी हम देख लेते हैं उसके लिए हम जो हमारा पॉपिलिटल पोसा है उसको तीन एरियाज़ में डिवाइड करेंगे ये कुछ इस तरह से हमारा पॉबलीटल पोसा है इसको हम तीन एरियाज़ में डिवाइड कर देते हैं अपर एरिया या फिर अपर पार्ट मिडल पार्ट और लोअर पार्ट तो जो अपर पार्ट है वहाँ पे अगर मीडियल टू लेटल जाएं तो सबसे मीडियली प्रेजेंट होती है हमारी पॉपलीटल आर्टरी फिर आती है हमारी पॉप्लीटियल वेन और फिर ये टिबियल नर्व ठीक है और फिर जो मिडल पार्ट है वहाँ पे वैसे अरेंजमेंट होता है सुपरफिशियल टू डीप सबसे बाहर नर्व फिर वेन फिर आर्टरी फिर जो लोअर पार्ट है वहाँ पे फिर ये पूरा रोटेट कर जाता है और सबसे जो मीडियल है वहाँ पे नर्व आ जाती है फिर वेन और फिर आर्टरी तो कुछ इस तरह से इनका रिलेटिव अरेंजमेंट होता है तो हमने इनका रिलेटिव अरेंजमेंट देखा कि मीडियल टू लेटरल जो वेन होती है पॉपिटियल वेन वो तो अगर हम स्टेट मान लेते हैं ठीक है तीनों पार्ट्स में जो बीच में होगी जो आर्टरी होती है वो मीडियल टू लेटरल सबसे जो अपर पार्ट है वहां पे सबसे मीडियल पेशेंट होती है फिर ये ऐसे पीछे की तरफ जाके और सबसे लेटरली आ जाती है लोअर पार्ट में और जो हमारी टीबीएल नर्व नव होती है वो से अपर पार्ट में सबसे लेटरली प्रेजेंट होगी फिर फिर मिडिल पार्ट में सबसे सुपरफिशियल प्रेजेंट होती है और लोअर पार्ट में आते आते ये सबसे मिडिल आ जाती है तो इसको हम याद करते हैं ए वी एन नवा नवा से हम याद करेंगे ए वी एन नवा नवा ए वी एन सबसे मीडियली आर्टरी फिर वेन और फिर सबसे लेटरली नर्व फिर जो मिडल पार्ट है वहां पे सबसे सुपरफिशियली या फिर बिहाइंड क्योंकि पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट है ना पॉपलीटल फोसा तो इसको सबसे बिहाइंड या फिर सुपरफिशियल टू फॉरवर्ड या फिर डीप प्रेजेंट होगा हमारा नर्व वेन और आर्टरी फिर लोअर पार्ट में ये रोटेट कर जाता है नर्व जो होती है वो सबसे मीडियली आ जाती है फिर वेन तो बीच में प्रेजेंट ही होती है और आर्टरी जो सबसे लेटरली आ जाती है तो कुछ इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है तो हमने पॉपिलिटल फूसा की बाउंड्रीज़ उसके जो फ्लोर उसका रूफ और उसके कंटेंट्स को देख लिया अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग